हेलो, नमस्कार। आ गए हम आपके साथ फिर वही अपने फिटनेस को लेकर। तो चलते हैं। आज का आपका प्रॉप है वॉल। तो वॉल जो है आपको ये आपको जो भी फिटनेस में जुड़े हुए हैं उन सबके घर में होगी ये बॉल। तो ये बॉल एक्सरसाइज आज हम आपको बताएंगे, लेकिन हो सकता है बहुत लोगों के पास नहीं हो और हमसे वो डेली जुड़े हुए हैं और डेली वो हमारे साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उनके लिए तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उनके लिए आप चेयर ले सकते हैं, कोई छोटी बॉल ले सकते हैं, कोई भी अपने घर में स्टूल पड़ा हो वो ले सकते हैं इसके बदले में और कर सकते हैं। तो ये सोचते हुए आपको इसके साथ हमारे साथ जुड़े रहना है और चलते हैं हम आगे। श्वास के साथ जुड़े रहना है, श्वास भरना है, श्वास छोड़ना है। जितनी गहरी श्वास भरोगे उतनी गहरी श्वास छोड़ोगे। तो बस श्वास के साथ जुड़े रहिए। तो चलते हैं हम, ये साइड में अभी रखते हैं, थोड़ा सा मूवमेंट करेंगे हम। 1 2 श्वास लेते और छोड़ते रहिए। जब आपका फैलेगा तो आपको श्वास भरनी है, जब सिकुड़ेगा तो श्वास आपको छोड़नी है, ठीक है? तो इन एंड आउट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड थोड़ा सा मार्च करेंगे। श्वास लेते छोड़ते रहिए। कंटिन्यू श्वास के साथ। थोड़ा सा फॉरवर्ड, आपको फॉरवर्ड, अभी आप फॉरवर्ड बेंडिंग के साथ अब फॉरवर्ड मार्च कर रहे थे, अब बैकवर्ड, बैकवर्ड के साथ क्या करना है? श्वास भरनी है और श्वास छोड़नी है। लगातार अपनी बॉडी की, अपनी स्टैमिना के साथ मूवमेंट करते रहिए। जितना आपका स्टैमिना है उतना ही आपको आगे करना है और रुक जाना है। जब आपको लगे कि आपको अब भारीपन लग रहा है, अब आप नहीं कर सकते हैं, तो आप उसी समय रुक जाएंगे। श्वास के साथ श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए। कंटिन्यू कंटिन्यू। थोड़ा सा साइड में श्वास के साथ देखिए, श्वास बाहर निकाली खड़े हुए और ट्विस्ट करते समय श्वास फिर से बाहर निकाली। ओके, ऐसे भी कर सकते हो आप। श्वास भरो, जब आप ट्विस्ट करेंगे तो आप श्वास बाहर निकालेंगे। कंटिन्यू नाक से निकालो चाहे मुंह से निकालो, आपको निकालना है, लेकिन भरना आपको नाक से ही है, ध्यान रखिएगा इस बात का। आ जाइए, ये हमने बॉल ली है और बॉल को हमें करना क्या है? आज हमने कहा आज हम बॉल से आपको एक्सरसाइज कराएंगे। अगर आपके पास बॉल ना हो तो आप कुछ भी चीज ले लीजिए, स्टूल ले लीजिए, अपने घर में कुछ भी, कोई भी आइटम हाथ में ले लीजिए और उसको यही समझ के आपको करना है मेरे साथ। ओके, तो स्टार्ट, दोनों पैरों में हल्का सा गैप बढ़ाएंगे। 1, सांस छोड़ते पीछे जाएंगे, श्वास भरते बीच में। 1 2 3 4 5
आइवीन, आज हम टाइम के साथ करवा देते हैं आपको। तो गहरी सांस लेते हो, छोड़ते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए, आप करते रहिए कंटिन्यू। चलिए एक मिनट तक मूवमेंट करेंगे हम, और फिर उसके बाद 20 सेकंड के लिए हम रेस्ट कर लेंगे। स्टार्ट अगेन, वापस हम इसी को ही दोहराएंगे। श्वास बाहर निकालते हुए ट्विस्ट होना है, श्वास भरते हुए बीच में आना है। कंटिन्यू, साइड से दिखाते हैं। गहरी सांस लेते, छोड़ते रहिए। अब देखिए नेक्स्ट हम बता देते हैं आपको। नेक्स्ट आपको क्या करना है, सांस भरनी है अच्छे से, पूरी अच्छे से लंग्स को भर लेना है, और धीरे धीरे आपको सांस छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग पे जाना है। इस तरह से आपको बेंड होते हुए जाना है, अगेन वापस सांस भरते हुए पीछे जाना है, और सांस छोड़ते हुए इस तरह से आना। अगर आपके पास बॉल नहीं है तो स्टूल ले लीजिए, चेयर ले लीजिए, या फिर कोई भी हाथ में ले लीजिए। आपको प्रॉपर तरीके से होल्ड करते हुए ऊपर लेकर जाना है, और धीरे धीरे आपको नीचे लेकर आना है पूरे अच्छे से। पोजीशन यही रहेगी, पैर पूरी तरह से खींचते हुए रहेंगे, पेट आपका दबता हुआ नीचे जाएगा। ओके, स्टार्ट करेंगे अब हम। ओके, रिलैक्स, गहरी सांस लेते छोड़ते रहेंगे। अभी आपका रेस्ट चल रहा है, रेस्ट में ही हम आपको बता देते हैं नेक्स्ट आपको क्या करना है। नेक्स्ट आपको क्या करना क्या है, स्क्वाट में आप जाएंगे। स्क्वाट में आपको, और पूरी तरह से जो आप खड़े होके कर रहे थे स्पाइनल ट्विस्टिंग, वही आपको स्क्वाट में ट्विस्ट करना है पूरी तरह से। ओके, तो आप सामने सांस भरोगे, और पीछे जब जाओगे तो सांस छोड़ोगे। जब आपकी बॉडी पीछे की तरफ जाएगी, अपर बॉडी, तो आपको सांस छोड़नी है। गहरी सांस लेते छोड़ते रहेंगे रेस्ट के समय पर। आप मुंह से सांस छोड़ सकते हो, नाक से सांस छोड़ सकते हो, लेकिन लेना आपको नाक से ही है। ध्यान रखिएगा इस बात का कि आपको ब्रीद इन करना है नोज। ओके, स्टार्ट।
रिलैक्स, गहरी सांस लेते छोड़ते रहिए। रेस्ट आपका चल रहा है, अब आपको क्या करना है देखिए, रेस्ट के समय पर हम आपको बता देते हैं नेक्स्ट आपको क्या करना है। आप पैर मिला के रखेंगे, दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए आपको 1 2 3 जितना आपसे हो सके उतना आपको मूवमेंट देना। कैसे मूवमेंट करना है, श्वास ऐसे ले गए आप पूरी तरह से, अब आपको श्वास बाहर निकालनी है। ओके, तो अभी मैंने आपको दिखाया है श्वास मुंह से निकालनी थी, लेकिन आपको यही करना है। ओके, आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है अब। ओके, रिलैक्स, गहरी सांस लेते छोड़ते रहेंगे। विश्राम की स्थिति में आपको गहरी गहरी सांस लेना छोड़ना है। अब आपको नेक्स्ट आपको अपोजिट साइड करना है, यही क्रिया को आपको अपोजिट साइड करेंगे। तो अपोजिट साइड में आपको क्या करना है देखिए, आपने लिया अभी आप इस साइड कर रहे थे, अब आपको इसके विपरीत साइड करना है। श्वास छोड़ते हुए गए और श्वास भरते हुए बीच में आ गए, श्वास छोड़ते हुए गए, खिंचाओ देखिए, खिंचाओ और दबाओ। इस साइड से आपका दबाव पड़ रहा है, इस तरफ से खिंचाव पड़ रहा है, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। आपका फैट बर्न होगा, आपकी साइड के टायर्स खत्म हो जाएंगे, आपके स्टैमिना बढ़ जाएगा, आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। चलिए चलते हैं। ओके, स्टार्ट। इसी समय आप देखिए नेक्स्ट आपका मूवमेंट क्या होगा वो देख लीजिए। आप लोग देखिए पैर दोनों बराबर हैं हमारे, पैर बराबर रखते हुए एक पैर हमने पीछे रख दिया, एक पैर पीछे ले जाते हुए हम थोड़ा सा देखो 90 डिग्री पर आ गए। आपका जो घुटना है 90 डिग्री पर है, पीछे वाला पैर जितना आपसे हो सके आप जमीन पर भी रखकर कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, इस तरह से लेकर गए, आपका जो घुटना ऊपर वाला है तो उसका इस तरफ से लेकर गए एंड वापस खड़े हुए एंड चेंज किया, फिर वापस गए आप पूरी तरह से मूवमेंट में गए, पोजीशन में गए, पोजीशन में जाने के बाद इस तरह से आप आए। ओके, तो श्वास छोड़ते हुए आपको जाना है, श्वास भरते हुए आपको चेंज करना है, श्वास छोड़ते हुए आपको ट्विस्ट करना है, श्वास भरते हुए आना है। ओके, आपका मूवमेंट आपको पता चल गया है, अब स्टार्ट करेंगे हम।
रिलैक्स, गहरी सांस लेते छोड़ते रहिए, अपने आप को मेंटेन कीजिए। अभी आपका रेस्ट का समय चल रहा है, अब आपको क्या करना है, ये आपका जो बॉल है उसको आपको गोल गोल घुमाना है। तो गोल गोल घुमाते समय क्या करेंगे, लेफ्ट साइड नीचे गए, राइट साइड से ऊपर आए, ये अब लेफ्ट साइड से सांस छोड़ते नीचे जाएंगे और राइट साइड से सांस भरते ऊपर आएंगे। ये आपको मूविंग करना है जब तक आपका टाइम पूरा नहीं होता तब तक। स्टार्ट, सांस भरिए, सांस को बाहर निकालिए, अपने आप को कंट्रोल कीजिए। और अब हम इसका विपरीत करेंगे, विपरीत यानी कि आप राइट लेफ्ट साइड जा रहे थे नीचे सांस छोड़ते हुए, राइट साइड से आ रहे थे ऊपर सांस भरते हुए, अब आप राइट साइड से सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे और लेफ्ट साइड से सांस भरते हुए ऊपर आएंगे। ओके स्टार्ट, बैलेंस कीजिए, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। नेक्स्ट रेस्ट के समय पे देखिए नेक्स्ट आपको क्या करना है, कंट्रोल, आपको अपने आप में कितना कंट्रोल है, कितना आप अपने डेंजर जो मूवमेंट है उसके साथ में अपने आप को संभाल पाते हैं। ओके तो ये पैर को इस तरह से करना है, कंटिन्यू इसको बैलेंस के साथ, कोशिश कीजिएगा कि ये बॉल आपके इशारों में चले, जैसा आप चाहें वैसे ही ये मूवमेंट करे। तो इस तरह से आपको मूवमेंट करना है, श्वास सुनिए आप, श्वास भरना है आपको अंदर लाते समय, श्वास छोड़ना है बाहर लाते समय, आपको पूरी तरह से आप जब खुल रहा है तो आपको श्वास छोड़ना है, अंदर आना है, श्वास भरना है। ओके स्टार्ट, वन, दबाते रहिए एड़ी से,
चेंज करेंगे, आप साइड चेंज करेंगे। अब आप दूसरा पैर लगाएंगे बॉल पे और एड़ी को लेते हुए आपको पूरी तरह से हिट करना है, नीचे की साइड आपको पुश करना है। ये घुटने में आपके पूरी तरह से प्रेशर आना चाहिए ताकि वहां पे ऑक्सीजन लेवल अच्छे से पहुंचे। ओके स्टार्ट। पीछे ले जाना है, वापस लेकर आना है, फिर पीछे ले जाना है, जितना आपसे बैलेंस हो। आप चाहे तो कोई भी चीज को पकड़ भी सकते हैं, मैंने कहा था रस्सी पकड़ने के लिए, या कोई दीवार को पकड़ लीजिए या फिर टेबल को पकड़ लीजिए। आपका बैलेंस आपका होना चाहिए अच्छे से, और अगर आप में है तो कोई बात नहीं, आप मेरे जैसे कर सकते हैं। स्टार्ट। देखिए 1, ठीक है। अब आपको क्या करना है, श्वास छोड़ते हुए गए पैर को जितना ले जाए और वापस आ जाए श्वास भरते हुए। फिर उसके बाद आपको जाना है, श्वास छोड़ते हुए जाना है, श्वास भरते हुए आना है, श्वास छोड़ते हुए जाना है, श्वास भरते हुए आना है। ये आपका बैलेंस होगा। आप बैलेंस कितना अच्छा कर पा रहे हैं ये आपके ऊपर है। आपकी बॉल अगर इधर उधर हो भी जाती है तो कोई बात नहीं, फिर से वापस उसी में पोजिशन में आ जाएंगे। स्टार्ट करेंगे आप। करते रहिए, गहरी सांस लेते और छोड़ते रहिए। ओके, टाइम हो गया था इसलिए मैं रुक गई थी। रिलैक्स। अब आपको दूसरी तरफ के पैर से करना है, दूसरी तरफ के पैर से बैलेंस के साथ चलेंगे। स्टार्ट। आप बैलेंस कीजिए। 14, 15, 16, 17 एंड रिलैक्स। दो तीन सांसों में विश्राम करेंगे, गहरी सांस लेते और छोड़ते रहिए लगातार।
वन। आपको देखिए क्या करना है, एक बार इस साइड आएंगे, एक बार आप इस साइड आएंगे, तो आपकी पूरी तरह से साइड का जितना है वो उसमें खिंचाव होगा। तो आपका बैलेंस रखिए अपने साथ, बॉल छोटी बड़ी हो तो आप ऊपर साइड में भी कर सकते हैं, इस तरह से भी आप 20 बार मतलब टाइम जब तक बताए तब तक आप इस तरह से कर सकते हैं, फिर दूसरी साइड आप कर लीजिए। हो सकता है आपकी बॉल मेरी बॉल से ज्यादा बड़ी हो, ठीक है, तो इस तरह से आप दबाइए, अंदर की साइड आपको दबाना है। ओके, तो टाइम स्टार्ट, ये लिया हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। श्वास देखिए, श्वास निकालिए बाहर, श्वास भरिए, श्वास निकालिए बाहर, श्वास भरिए, श्वास निकालिए बाहर, दबाइए जितने पैर को आप दबा सकते हो उतना दबाइए, श्वास भरिए, श्वास को बाहर निकालिए, श्वास भरिए, श्वास को बाहर निकालिए, श्वास भरिए, श्वास को बाहर निकालिए, श्वास भरिए। बैलेंस, ये हवा है समझ लीजिए, ये आपको बैलेंस करना पड़ेगा। एंड रिलैक्स, 2-3 श्वास विश्राम कीजिए, गहरी श्वास लेते हो छोड़ते रहिए। नेक्स्ट, अब आपको क्या करना, देखिए अभी हम इसको बैठ के करवाते हैं, तो बैठने वाली एक्सरसाइज में पहले तो आप पूरी तरह से बैठ जाए, और बैठ के आप कंफर्टेबल फील करना शुरू कर दे तब तक इसको आप बैठे रहें, इसको अपने नेचर के साथ लाना है। तो थोड़ा सा पुश करेंगे आप, इस तरह से आप थोड़ा सा पुश कीजिए, इसको अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। अब आपका मान लो सेट हो गया, तो सेट होने के बाद थोड़ा सा इसको ट्विस्ट करना शुरू कर दीजिए, श्वास छोड़ते हुए बाहर, श्वास भरते हुए, देखिए श्वास भरिए। ओके, तो आपको कंटिन्यू इसी को करना है, स्टार्ट 1, कंटिन्यू चलते रहिए श्वास के साथ जुड़े रहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76, 77, 78, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76, 77, 78, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76, 77, 78, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76, 77, 78,
अगर आपकी इच्छा हो पानी पीने की। एंड अब हम जाएंगे साइड में, तो साइड में जाने के लिए आपको क्या करना है, या आप बैठे हुए हैं बॉल में, आपको पूरी तरह से साइड में जाना है, तो इस तरह से आपको जाना है। श्वास छोड़ते हुए जाएंगे साइड में, श्वास भरते हुए आ जाएंगे बीच में, फिर वापस जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए जाएंगे अपोजिट साइड, श्वास भरते हुए आएंगे बीच में। तो स्टार्ट करते हैं हम, स्टार्ट। Yeah.
दो तीन श्वासों का विश्राम कीजिए, अपने आप को कंट्रोल कीजिए, श्वास के साथ जुड़े रहिए। एंड अब हम जाएंगे नेक्स्ट नेक्स्ट मूवमेंट हमारा क्या है, अब हम दोनों पैरों को खोलेंगे, दोनों पैरों को इस तरह से हमने खोल लिया। अब हम श्वास भरेंगे, गहरी गहरी श्वास भरते हुए और छोड़ते हुए अपने पंजे को मिलाने की कोशिश करेंगे। आपका घुटना पूरी तरह से सीधा ही रखने की कोशिश कीजिएगा। फिर वापस गए तो बॉल एक बार हम हिट करेंगे पीछे की साइड में, वापस आएंगे, पेट आपका पूरी तरह से दबेगा, श्वास बाहर निकलेगी और बैक पूरी तरह से स्ट्रेट रहेगी, कुबड़ा निकाल के नहीं करना है आपको। ओके स्टार्ट, आपका समय स्टार्ट हो रहा है। काम करेंगे, अपने आप को कंट्रोल करेंगे, जो भी आप कर रहे हैं बहुत पॉजिटिव है आपके लिए, बहुत ही लाभकारी है, तो आप जुड़े रहें और मूवमेंट के साथ श्वास के साथ पूरी अच्छे से करना है आपको। एंड नेक्स्ट हम अब करने जा रहे हैं, अभी हमारा जो मूवमेंट हो रहा था साइड टू साइड होगा, अब हम फ्रंट में करेंगे। तो फ्रंट में जाने के लिए देखिए एक बार फ्रंट से दिखा देते हैं हम, एक बार आपको जमीन पे हाथ लगाना है, जितना आप जमीन पे हाथ लगाए, दोनों पैरों में गैप रहेगा, जितना ज्यादा आप जमीन पे हाथ लगाकर अपनी बैक को खींचेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद देखिए श्वास भरते हुए गए, इतना ही आपको जाना है, अगेन वापस आपको आना है। तो जब तक आपका टाइम पूरा नहीं हो जाता है आपको इसी मूवमेंट के साथ जुड़े रहना है, श्वास छोड़ते हुए जाना है नीचे और श्वास भरते हुए जाना ऊपर, लेकिन बहुत नहीं पीछे नहीं जाना है, अभी अभी आपको इतना ही करना है। ओके स्टार्ट, छोड़ते रहिए, अपने आप को कंट्रोल कीजिए, अपनी अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स दीजिए, पानी पी सकते हैं आप। अब आप पूरी तरह से गोल गोल घुमाएंगे अपने आप को, तो कैसे गोल गोल घुमाना है देखिए, दोनों पैरों को हमने खोल लिया और बॉल में पूरी तरह से हमने बैलेंस करते हुए बैठे हुए हैं, दोनों हाथों को लिया हमने और पूरी तरह से हम गए और ऊपर आ गए। ये आपको बैलेंस करना है, श्वास छोड़ते हुए जाएंगे आप लेफ्ट लेग की तरफ, श्वास भरते हुए आएंगे आप राइट लेग की तरफ, आपके पूरी तरह से यहाँ पर साइड में जितनी भी चर्बी है उसमें बहुत ज्यादा तेजी से हीट होगा और पूरी तरह से वहां से स्प्रेड हो जाएगी चर्बी। तो आपको चल रहा है आपकी टमी वाला भाग, साइड वाला भाग और पीछे की जितने भी प्रॉब्लम्स है मन के में, रीढ़ की हड्डी में, सारे समाप्त हो जाएंगे, पैरों में भी बहुत पावर आएगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, चलते हैं स्टार्ट।
विश्राम करेंगे। आप लोग कंट्रोल कीजिए, अपनी बॉडी को रिलैक्स कीजिए, गहरी गहरी लंबी लंबी सांस लेते हैं, छोड़ते रहिए। बहुत ही पावरफुल क्रिया है जो भी हम करवा रहे हैं। अगर आपके पास बॉल नहीं है तो आप चेयर का सहारा ले सकते हैं या फिर किसी भी ऐसे मुड्ढे का सहारा ले सकते हैं। आपको पूरी तरह से उसी को प्रॉप समझते हुए मूवमेंट करना है। अब हम रिवर्स करने जा रहे हैं। रिवर्स करने के लिए अगेन वापस हम दोनों पैरों को खोल लेंगे और बैलेंस करेंगे, पंजा पूरा जमीन पर टिका कर रखेंगे और स्टार्ट करेंगे। राइट साइड श्वास छोड़ते नीचे जाना है और लेफ्ट साइड श्वास भरते ऊपर आना है। विश्राम करेंगे, अपने आप को कंट्रोल करेंगे, अपनी थकान को दूर करने के लिए गहरी गहरी सांस लेते छोड़ते रहिए। अब आपको जाना है क्रंच, हम आप करने जा रहे हैं तो पहले हम दिखा देते हैं आपको, ये साइड में दिखने में आपको ज्यादा आसानी रहेगी, समझ में आएगा। तो इस तरह से हम बैठे हैं, हमने उसी तरह से जमीन पर हाथ लगाएंगे। कोशिश कीजिएगा कि आपकी जो बॉल, आपने पैर सीधा किया तो बॉल आपकी गई पीछे। अब आप पूरी तरह से अपने पैरों को बैंड कर रहे हैं, बैंड करते करते आपकी बॉल एड़ी के संपर्क में पहुंच गई। एड़ी के संपर्क में पहुंचते ही आप पूरी तरह से आपके हाथ जमीन पर जा सकते हैं। अगेन वापस आपको हिप से ही हिट करते हुए लेकर जाना है, फिर से आपके पैर सीधे हो गए और फिर उसके बाद वापस आप जाएंगे, श्वास भरते हुए पीछे की साइड जाएंगे और पूरे बैलेंस के साथ आपको हाथ पीछे लगाना है। अगेन वापस इसी तरह से श्वास छोड़ते हुए बीच में आ जाएंगे। तो इस मूवमेंट को आपको बहुत अच्छे से करना है क्योंकि इसमें थोड़ा सा चांसेस है गिरने के, तो आप गिर जाएंगे अगर आपने थोड़ी सी सावधानी नहीं बरती तो। तो मैं नहीं चाहती कि आप लोगों को कोई भी नुकसान हो, तो इसलिए अगर नहीं आता है तो बहुत पीछे तक मत जाइएगा, बस यहां तक जाके अगेन वापस आ जाइएगा। तो स्टार्ट करते हैं, हम सभी साथ साथ करेंगे तो हो जाएगा। श्वास छोड़े, श्वास भरे, श्वास छोड़े, श्वास भरे। देखिए एक बार घुटना सीधा हुआ, एक बार घुटना बैंड हुआ। विश्राम कीजिए, बहुत ही अच्छी अच्छा प्रॉप है बॉल, जो कि हमें इसमें रीढ़ की हड्डी में बहुत बैलेंस होता है। और दूसरी बात, ये हार्ड नहीं है तो इसलिए हम प्रॉपर तरीके से अपने हिसाब से इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी हमने जो किया है उसके बाद आप देखिए इसे बहुत अच्छी अच्छी अब हम रेस्ट के समय पे दिखा रहे हैं क्या करना है आपको। तो इस तरह से आपको पूरी तरह से बॉडी को ले जाना है पीछे की तरफ, पीछे की तरफ ले जाते हुए अगेन वापस लेकर आना है। ये पूरी तरह से आपका सक्रम वाला पार्ट आपकी जो बॉल है उससे मिली हुई रहे। और देखिए श्वास भरते हुए जाएंगे हम,
श्वास भरते हुए जाएंगे और जितना हमसे आप पैर सीधा किया जाए उतना पैर सीधा करते हुए अगेन वापस लेकर आएंगे। अब हम सीधे से बता रहे हैं आपको, आपको पैर को दिखाना है तो हमने पूरी तरह से बॉल को टिका दिया है, अपनी बॉडी से अपनी बॉडी को पूरी तरह से टिका के रखा हुआ है, एकदम कंफर्ट जोन में है अभी हम। उसके बाद हम श्वास भरते हुए जाएंगे सीधे सीधे, और ये देखिए मैंने पैर सीधे कर लिए, श्वास भरते हुए गए हम और श्वास छोड़ते हुए आ जाएंगे, ये वापस आ गए, फिर श्वास भरते हुए जाएंगे पीछे और श्वास छोड़ते हुए आ जाएंगे इस तरह से। तो आपके पीठ में बहुत ज्यादा पावर आने वाली है, जो भी आपका दर्द है खत्म होने वाला है और अतिरिक्त चर्बी भी, घुटने का दर्द भी खत्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करेंगे, सभी मिलके करेंगे, आ जाए एंड रिलैक्स। दो तीन श्वासों में विश्राम करेंगे हम, गहरी गहरी श्वास लेते हैं छोड़ते रहेंगे। अब नेक्स्ट हमको क्या करना है, अभी हमने बॉडी को पूरी तरह से इसमें टिका के और हमने मूवमेंट किया था, एक तरह से पेट पे भी खिंचाव हो रहा था बहुत तेज। अब हम क्या करने वाले हैं, इस तरह से जाएंगे, दोनों हाथों को सिर के पीछे रखेंगे, अब हमें बैलेंस करना है, बैलेंस के साथ में पूरी तरह से मूवमेंट करना है, वन ओके, फिर बैलेंस करेंगे और टू। ये आपका बैलेंस रीढ़ की हड्डी में टिका हुआ है, आपके बटक्स उठे हुए हैं और आपको मूवमेंट करना है, वन, श्वास भरते हुए लिफ्ट करेंगे, आपको लेफ्ट लिफ्ट करना है और वापस लेकर आना है। तो अब हम साइड में चलते हैं, साइड में आपको दिखाएंगे, ये देखिए बटक्स उठे हुए हैं, दोनों हाथों को हमने अपने सिर के पीछे लगा रखा है, बैलेंस करते हुए लेकर जाएंगे पैर को, वन टू, आप इसी तरह से हाथ को मिला भी सकते हैं, वन टू थ्री फोर, ओके, आपका बैलेंस है, या आपके पास बॉल है, आपको बैलेंस बनाना आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है तो अपने हिसाब से ही आपको करना है। आप बटक जमीन पर रख के भी आप यही मूवमेंट आप कर सकते हो, कैसे करोगे, बटक जमीन पर रखकर, वन ओके टू थ्री फोर, ओके, तो स्टार्ट करते हैं, मिलकर करेंगे, वन, श्वास भरेंगे, ओके, श्वास छोड़ते हैं, आपको हाथ और पैर मिलाना है, रिलैक्स। दो तीन श्वासों का विश्राम कीजिए, अपने आप को कंट्रोल कीजिए, अपनी थकान को दूर कीजिए, पानी पी सकते हैं आप, आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखिए कितना हाई होता जा रहा है। अब नेक्स्ट, अब आपको क्या करना है, ये आपने पूरी तरह से अपने घुटने के पास में रख दी है बॉल को, घुटने के पास रखते हुए पूरी तरह से इसमें आपको टिक जाना है।
आपको इसमें टिकना है और टिक कर आपको भुजंगासन की पोजीशन में जाना है। कैसे? ये जाना है वापस। आप अपने पैरों को दीवार पे टिका सकते हैं, आपका बैलेंस भी बन जाएगा और आपको कोई किसी भी तरह का डर भी नहीं रहेगा। तो अपने पैर के पंजे दीवार पे टिकाते हुए आपकी बॉडी का भार पूरा डाल दीजिए इसमें। आप जाइए, श्वास भरते हुए धड़ को ऊपर खींचना है। बहुत अच्छा बैलेंस बनेगा, आप करके देखिए, आपके लिए बहुत अच्छा है, अस्थमा दमा लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। और जो अतिरिक्त फैट है वो तो बर्न होना ही होना है, वो तो 100% होगा। और भी आप इंक्रीज कीजिए अपनी बॉडी के ऑर्गन को, स्ट्रांग कीजिए। आ जाइए, छोड़ते रहेंगे, अपने आप को बैलेंस करेंगे। देखिए आपके अंदर कितनी पावर आ गई है, यही पावर जो होती है यही इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। तो आपने भरपूर सांस भरी और भरपूर सांस छोड़ी, तो एक तरह से बॉडी में बैलेंस हो रहा है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है और जो शुद्ध हवा है वह आपके फेफड़ों में जा रही है। तो इसका विपरीत आसन करते हैं, अभी आपने किया भुजंगासन, अब हम विपरीत आसन करेंगे। तो विपरीत आसन के लिए हम देखिए कैसे जाएंगे, इसी तरह से हमको जाना है। हमने टिका लिया बॉल को और गए हम पूरी तरह से टिका देंगे। टिकाने के बाद आपकी अपर बॉडी जमीन पर लगा दीजिए। जमीन पर लगाने के बाद थोड़ा सा और आइए, थोड़ा और आइए, थोड़ा सा और आ जाइए। ये आ गए आप, अब पूरी तरह से आपकी बॉल आपके पैरों पर आ गई। ओके, अब आपको क्या करना है, हिट करना है। ये जितना आप ज्यादा जब ज्यादा हिट कर सकते हैं उतना ज्यादा आपको हिट करना है। ओके, तो स्टार्ट करेंगे। अब आपको लिफ्ट करना है, जब आप अपने पैरों को लिफ्ट करेंगे तो श्वास भरेंगे, श्वास भरते ऊपर लेकर आएंगे और श्वास छोड़ते नीचे लेकर जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करेंगे हम। तीन श्वासों को विश्राम करेंगे, गहरी गहरी सांस लेते हो, छोड़ते रहेंगे। आपके पूरी बॉडी में एक तरह से संतुलन आ रहा है, और संतुलन बहुत ज्यादा बहुत कम सही नहीं रहता, बैलेंस बहुत जरूरी रहता है, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल बॉडी बहुत सही रहती है। अब हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, साइड वाला। तो साइड वाला समय पॉसिबल तो है नहीं कि एक दिन में हम सब कुछ आपको करवा दें, तो साइड का करवा के ये देखिए, ये हमने साइड में रखेंगे,
बॉल को इस तरह से साइड में रखते हुए और बैलेंस करेंगे। अब आप हाथ जमीन पर लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, या फिर आप सर पर रख सकते हैं। आप अपने पैर को सीधा करेंगे। आप अपने पैर को सीधा करते हुए अपनी बॉडी को पूरी तरह से आपको क्या करना है, पूरी तरह से आपको बैलेंस करना है। इस तरह से आपको इसको पंप करना है। इस तरह से पंप भी कर सकते हो और बॉडी को और ज्यादा, अगर आप में पावर है और मतलब आप कर सकते हैं तो आप पैर को पूरी तरह से ऊपर लेकर जाएंगे बैलेंस के साथ। 1, 2, 3, 4। पहले एक बार पंप कीजिए, ओके। तो आप अपने हिसाब से जैसे आप कर सके उतना आप करिए। बैलेंस करना है आपको। गहरी सांस लेते छोड़ते रहेंगे। करते रहिए, आप करते रहिए। रुक जाइए, गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, अपने आप को बैलेंस कीजिए। ये साइड में जो आपने, आपकी साइड की चर्बी तो खत्म होगी, पेट की चर्बी भी खत्म होगी, बॉडी का पूरा बैलेंस होगा। आपके कहीं पर भी दर्द हो रहा हो, कंधे पे, कमर पर, घुटने पे, एड़ी पे, कहीं पर भी दर्द हो, सारा का सारा आपका समाप्त हो जाएगा। बस ध्यान से करना है आपको एंड आपको बैलेंस करना है। बैलेंस टाइम हो रहा है, अभी हमने बहुत कुछ सोचा था करवाने के लिए लेकिन टाइम हो गया है, लेकिन फिर भी आपने बहुत कुछ कर भी लिया है, तो पॉजिटिव भी सोचिए कि आपने बहुत कुछ प्राप्त किया है। अभी हम ये बैलेंस करवा के और फिर हम करवाते हैं आपको, तो चलेंगे, स्टार्ट करेंगे। आप दोनों पैरों को खोल लीजिए, अच्छा मूवमेंट किया आप लोगों ने, वेल डन। रेस्ट कीजिए, जैसे मर्जी रेस्ट कीजिए, पानी पी सकते हैं। पूरी तरह से आप सांस के साथ जुड़े रहे तो आपका शरीर बहुत हल्का हो गया है। आप सांस के साथ तो डेली जुड़े हुए रहते ही हैं, पूरा 1 घंटा। तो अब हमारा समय हो रहा है समाप्त, और अगर आपके पास टाइम हो तो मैं एक आपको बताती हुई जाती हूँ, तो वो कर लीजिएगा आप। आपको पैरों से इसको होल्ड कराते हुए अप एंड डाउन करना है, साइड टू साइड करना है, गोल गोल घुमाना है, और फिर उसके बाद आपको ये वाला मूवमेंट अगर हो तो आप कर लीजिएगा। कौन सा वाला मूवमेंट? ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है, ये इस तरह से आप करेंगे तो आप 1 मिनट के लिए करें, या फिर आप 20-20 के 3 राउंड भी कर सकते हैं। अगर आपको 20-20 ना हो तो आप 10-10 के 3 राउंड भी कर सकते हो। ये बहुत ही पॉजिटिव है, पूरे शरीर को बैलेंस करता है।
तरह से आप पूरी तरह से आप करेंगे। और आप श्वेत बंधासन के लिए कैसे करेंगे, श्वेत बंधासन अब आपको करना है क्योंकि आपकी कमर में किसी भी तरह का कोई थकान या दर्द महसूस ना करें आप पूरा दिन। तो आपको पूरी तरह से आपकी रीढ़ की हड्डी को उठाना है, जितना उठा सके उठाएं, रोक ले अपने आप को, श्वास भरते हुए आपको रीढ़ की हड्डी को उठाना है और होल्ड करना है सामान्य श्वास पर, जुड़े रहना है आपको और श्वास छोड़ते हुए फिर रिलैक्स करना है। एक बार फिर करेंगे, श्वास भरते हुए रीढ़ की हड्डी उठाइए ऊपर, सामान्य श्वास पर रुके रहिए, श्वास छोड़ते हुए रख लीजिए। एक बार फिर करेंगे हम, श्वास भरते उठाइए पूरी तरह से रीढ़ की हड्डी को, खींचिए ऊपर की साइड, सामान्य श्वास पर रुक जाइए, होल्ड कीजिए, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स कीजिए। अब इसको आपको थोड़ा सा साइड में लेकर जाना है, साइड में लेकर जाएं, आप पूरी तरह से कमर के दर्द से दूर हो जाएंगे। कोशिश करेंगे आपको कम से कम 20 बार करना है। श्वास छोड़ते हुए घुटने ले जाएंगे अपोजिट साइड, गर्दन रहेगी अपोजिट साइड, श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए अपोजिट साइड, गर्दन अपोजिट साइड, जितना आप ले जा पाए उतना ज्यादा अच्छा, बीच में आ जाए। इसी तरह से श्वास छोड़ते हुए आपको ट्विस्ट कराना है बॉडी को, गर्द कमर बिल्कुल एकदम रिलैक्स और बीच में आ जाना है। यह बहुत ही अच्छी क्रिया है। एंड अब हम इजाजत चाहते हैं आपसे, अभी आप सिर्फ और सिर्फ एक मिनट के लिए आंखें बंद करते हुए अपने आप पर ध्यान केंद्रित कीजिए, पैरों के पंजे से लेते हुए सिर तक के भाग में। एंड करवट लेकर धीरे से बैठेंगे। आसनों और प्राणायाम के लिए शाम को मिलते हैं फिर। अभी आपके पास समय हो तो आप प्राणायाम कर लीजिएगा। प्राणायाम तो बीच बीच में जैसे चाय कॉफी आप पीते हैं, इसी तरह से बीच बीच में आप करते ही रहा कीजिए। इस समय बहुत ही जरूरी है, आपके लंग्स बहुत क्योर होने चाहिए, आपका हार्ट बहुत मजबूत होना चाहिए और आपकी मनोबल स्थिति बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि आप कुछ भी निगेटिव ना सोच पाए, क्योंकि इस समय जो समय चल रहा है वो बहुत नेगेटिव चल रहा है, तो मन में विचार आते ही आते हैं। आज 27 तारीख हो गई है, 27 अप्रैल 2020, तो चाहते हैं हम इजाजत। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णत्ते पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अपने दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे, गरम गरम हथेली अपनी आंखों में लगाते हुए परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु हमारा आज का दिन सबसे ज्यादा मुस्कुराता हुआ हो, हम अपने लिए अपने परिवार के लिए एवं संपूर्ण जगत के लिए सदैव मुस्कुराते रहे। ओम शांति 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 ओम। अपनी पृथ्वी माता को नमन करेंगे, अपने इष्ट देवता गुरु देवता समस्त देवी देवताओं को नमन करेंगे, हम एक दूसरे से नमन करेंगे, अपने आसन को नमन करेंगे। मन तो नहीं होता आपको जान छोड़ने का, लेकिन क्या करें, जाना पड़ेगा। बाय बाय, शाम को फिर मिलते हैं हम।